ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 27/4/64 चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी शिव जयंती व शिवरात्रि तो यहां होती है भारत में, कोई दूसरे मुल्क में नहीं होती है। न बौद्धी खंड में, न क्रिश्चियन खंड में, न इस्लामी खंड में। परमपिता परमात्मा का जो अवतार कहा जाता है वो कहां होता है? कहेंगे भारत खंड में होता है, क्योंकि भारत खंड ऊंचते ऊंचे खंड है और अविनाशी खंड है। और जो भी इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि खंड हैं वो सब विनाशी हैं। आज देखने में आते हैं, कल देखने में नहीं रहेंगे। समुद्र के गर्त में समाए जावेंगे। और भारत खंड फिर भी बचा रहेगा, क्योंकि अविनाशी बाप का ये बर्थ प्लेस है। अविनाशी का क्या मतलब है? कोई भी आत्मा विनाशी है क्या? आत्माओं का बाप भी विनाशी नहीं है, अविनाशी है। फिर अविनाशी बाप क्यों कहा? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप की तो बात ही नहीं है। ये तो मनुष्यात्माओं के बाप की बात है। जो मनुष्यों का बाप है, जिसे मुरली में शिव बाबा कहा है, जिसमें शिव बाप प्रवेश करके आप समान बनाते हैं, वो मनुष्य सृष्टि का बाप इस 5000 वर्ष के ड्यूरेशन में सदाकाल इस सृष्टि पर रहता है। उसके मुकाबले सभी मनुष्य आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि को छोड़ करके परमधाम जाती हैं। कुछ न कुछ समय जरूर परमधाम में रहती हैं। इसलिए इस सृष्टि रूपी ड्रामा में उन आत्माओं के पार्ट का विनाश हो जाता है, परंतु जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका अविनाशी पार्ट है, इसलिए अविनाशी बाप कहा। उनका ये बर्थ प्लेस है। और धर्म पिताओं का बर्थ प्लेस भारत में नहीं कहेंगे, और कहेंगे भी तो अविनाशी नहीं है।
यानी शिव जयंती यहाँ भारत में मनाई जाती है, समझा ना? देखो भारत में है ना, तुम बच्चों को फिर बैठ करके ये जो अभी भारत कंगाल हो गया है, बिल्कुल ही चट्ट खाते में गिर गया है, फिर यही आज तो है रात, कल होगा दिन, सतीगुरु पी सवेरा होगा। आज ये भारत कंगाल है, कल फिर हीरे जैसा बन जाएगा। हीरा क्या करता है? हीरा चमक मारता है, और ये ऐसा हीरा बन जाएगा कि सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेगा। तो हीरे जैसा और कौड़ी जैसा पावन और पतित, शिष्टाचारी और भ्रष्टाचारी, विकारी और निर्विकारी पवित्र, तो देखो ये खेल है, जिस खेल को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि आगे के ऋषि मुनि भी कहते कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, ये बेअंत है। 27/4/64 की वाणी का पांचवा पेज। तो जब वो पुराने पुराने ऋषि मुनि ही नहीं जानते थे, जो द्वापर के सत्व काल में थे, श्री लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक बनते हैं, वो भी ये नाली ले लेकर के बनते हैं, फिर वो नाली खलास हो जाती है, फिर उन लोगों में कोई नॉलेज नहीं रहती है। तो जिस कृष्ण के लिए कहते हैं गीता का भगवान, वो कृष्ण बच्चा जो शादी के दिन नारायण बनते हैं, उनको नॉलेज तो कोई होती नहीं है। ये नॉलेज है जिसको भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है, वो नालिश तो सचिव में भी नहीं होती है, ये तो सिर्फ तुम संगमयुगी ब्राह्मणों में ही होती है, समझा ना? फिर देवताओं में ये नालिश नहीं होती है, और जब देवताओं में ही नालिश नहीं होती है, तो फिर ये नालिश कहां से आई, और ये गीता कहां से आई? भक्ति मार्ग के लिए सभी सामग्री धक्का खाने के लिए है। आधा कल्प जो भक्ति मार्ग में धक्का खाने हैं, ये शास्त्र आदि बनती रहती हैं, क्योंकि भक्ति करते हैं सो भी पहले या व्यभिचारी भक्ति करते हैं, भक्ति में पहले पहले सिर्फ शिव को याद करेंगे, समझा ना? पूजा करते हैं ना, क्योंकि शिव बाबा ही तो सबको सदगति देते हैं,
जो भी इस समय मनुष्य मात्र हैं, जो भी पैगंबर मैसेंजर गाए जाते हैं, वो क्राइस्ट इस्लामी बौद्धि फलाने फलाने इस समय में सात तमो प्रधान है, पतित हैं, क्योंकि पुनर्जन्म भोगते भोगते इस समय में जर्जरीभूत अवस्था को पाए गए, सात तमो प्रधान दुखी हैं, समझो। अभी पोप है, ये क्रिश्चियंस का बड़ा गुरु है, समझा, क्योंकि नंबर वार ये बैठते जाते हैं ना। अरे ये क्या गुरु की सुनते हैं कोई, ये कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये जो सदगुरु है, सबका गुरु, वो सबका गुरु ही तो सदगति दाता कहा जाता है ना। जो सदगति देते हैं उनको गुरु कहा जाता है, तो सबको सदगति देंगे ना। यहां सब दुखी है, पोप पादरी वगैरह वगैरह जो भी हैं, सब मूतपलीती हैं। जो जो भी इस समय में गुरु लोग हैं, जिनको ये पूजते हैं, जिनके इतने फॉलोअर्स हैं, सब मूतपलीती भ्रष्टाचारी हैं। यहां कोई योग बल तो होता ही नहीं है, तो क्या होता है, हैं? यहां कोई में योग बल नहीं होता है तो क्या होता है, हैं? जोर से बताओ। सबके अंदर भोग बल है, एक भी पक्का योगी नहीं। तो बाप समझाते हैं कि भारत का योग बल जो मशहूर है, तो यहां सच्चा योगी तो कोई भी नहीं है। योगी तो तुम बनते हो, जो स्वयं परमपिता परमात्मा तुमको आकर के अपने साथ योग लगाते, क्योंकि इनको ले जाना है अपने साथ। वो जो सन्यासी है तो तत्व ज्ञानी है, और तत्व तो वो ही है जिसमें हम आत्माएं रहती हैं, या कहें कि ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म उसको कहा जाता है जहां हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहा जाता है ब्रह्मांड, वहां आत्माएं अंडे मिसल रहती है। तो ये लोग ब्रह्मांड जहां हम रहते हैं, उस ब्रह्म को भगवान कह देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे कह देते हैं। अस्मयी अर्थात इस माया का रचना का, अब माया का तो कोई मालिक नहीं है, ये माया तो रावण है, तो माया रावण को कहा जाता है। धन को तो संपत्ति कहा जाता है, मनुष्य कहते हैं इनके पास माया बहुत है। अरे माया नहीं है, संपत्ति बहुत है। माया अगर कहेंगे तो उनके पांच विकार बहुत हैं इनमें, क्योंकि माया जिसको कहा जाता है वो पांच विकार को कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। तो पत्थर बुद्धि है ना, कोई
कोई भी एक लफ्ज का भी अर्थ नहीं समझते हैं, क्योंकि बत्तर बुद्धि है, इसलिए सब दुखी हैं। समझा ना? जैसे गुरु पत्थर बुद्धि तो फॉलोअर्स भी पत्थर बुद्धि। क्यों? अच्छा समझो, सन्यासी गुरु हैं, पवित्र हैं, परंतु उनके फॉलोअर्स तो पवित्र नहीं है ना। भला उनको क्यों नहीं कहते हो कि तुम फॉलोअर काहे पे हो? तुम फॉलोअर तो ठहरे नहीं, तुम तो झूठ बोलते रहते हो। सत्ताईस चार 64 की वाणी का छठा पेज। तो कहना चाहिए कि तुम फॉलोअर्स तो हो ही नहीं, सन्यासी हो ही नहीं। उन फॉलोअर्स ने सन्यास किया ही नहीं, पवित्रता को धारण किया ही नहीं, तो फॉलोअर्स कैसे हुए? तो गाया जाता है ना, गुरु जिनके अंधले चेले सत्यानाश। तो ऐसे ही जिसको गुरु कहेंगे वो उनके चेले पवित्र हैं ही नहीं, तो इनको फिर फॉलोअर्स क्यों कहना चाहिए? तो बाप आकर की ये बातें समझाते हैं कि मैं आया हुआ हूं तुमको आप समान बनाए, अशरीरी बनाए, तुम्हारी ज्योति जगाए, हम तुमको साथ में ले जाऊंगा। देखो वो शादी करते हैं तो पिछाड़ी में वो ज्योति का कूप रख करके आते हैं, साजन आगे फिर वो रख देते हैं। अभी जो पुरुष होते हैं आगे उनके ऊपर नहीं रखेंगे, यानी पिछाड़ी वाली को ज्योति जगेगी। इससे ही बाप कहते हैं मैं हूं तुम्हारा साजन, क्योंकि मैं तो सदा जागती ज्योति हूं, तुम्हारी ज्योति उजियानी हुई है, इसलिए अगर तुमको फॉलो करना है तो पहले ज्योति जगानी है, जरूर जगानी है, यानी पवित्र बनना है, और तब ही फिर तुम मेरे पिछाड़ी आ सकेंगे। और जो अच्छा होगा, एकदम अच्छा होगा, वो मेरे साथ जाएगा। कोई सजा बजा नहीं खाएंगे। अगर कोई भी योग में ठीक नहीं रहा या ज्ञान में ठीक नहीं रहा तो फिर सजा खानी पड़ेगी। जब सजा खाएंगी तो फिर तुम आ सकती है पिछाड़ी में। तो पास विद आनर होंगी, मोचरे खाएंगी ना। फिर वहां माल भी देंगे, कुछ वर्षा दे देंगे, नहीं पिछाड़ी में धर्मराज का मोचरा नहीं खाओ। इतना योग से अपने विकर्मों को विनाश करो, इसको कहा जाता है योग। योग कोई दुनिया में थोड़े ही होता है, ये सब कोई योगी थोड़े ही हैं, ये सब भोगी हैं, पतित हैं, एक भी योगी नहीं। योग एक होता है जो खुद परमपिता परमात्मा आकर कहते हैं बच्चे मनमना भव, अर्थात हे बच्चे
तो आत्मा से बात करते हैं ना। हे आत्माएं, तुम अभी मुझे याद करो, सिर्फ मेरे को ही याद करो, मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, जागती ज्योति हूं। तो मुझे याद करने से तुम्हारे जो विकर्म का बोझ है वो दग्ध हो जाएगा। ऐसे नहीं कि तुम गंगा में स्नान करेंगे तो कोई पावन हो जाएंगे। अगर ऐसे होता तो फिर पतित पावनी गंगा को क्यों कहते? पतित पावन कहकर उसको बुलाते ना। सब कोई साधु संत पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम ऐसे ही कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं, देखो मैं दाता हूं, मैं कोई से लेता नहीं हूं, ये सब कुछ तो तुम्हारे ही काम में लगता है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो तुम गरीब बिचारे कोई पैसा कोई पाई पूरी पूरी तालाब कहते हैं ना, इस समय बादशाही स्थापन करने में तुमको विश्व का मालिक बनाने में कोई खर्चा थोड़ा ही लगता है? नहीं। अरे मनुष्य तो लड़ाई के लिए कितना सामान रखते हैं, कितना खर्चा करते हैं, जो भी आमदनी होती है पूरे राज्य की उसमें आधा से भी जास्ती खर्चा कर देते हैं। आजकल तो 75% पैसा लड़ाई में ही लड़ाई के खाते में ही चला जाता है, बाकी सिविल में पैसा आता है इतना ये लड़ाई में खर्चा होता है। अच्छा तुम्हारा क्या खर्चा होता है? तुम्हारा कोई का भी खर्चा नहीं होता है। बाबा का क्या खर्चा होता है? और तुमको विश्व का मालिक बना देते हैं। ये राज तुम बच्चों को बैठ करके समझाया जाता है, समझने के लिए है और औरों को समझाने के लिए भी है। समझाने के लिए ये प्रदर्शनी एग्जीबिशन वगैरह जो करते हैं उसमें पहली बात ये समझाओ कि तुम अपने जिसको पतित पावन बाप कहते हो, परम पिता परमात्मा कहते हो, उनसे क्या संबंध है। तो देखो कहते हैं कि ये हमारा बाप है, फिर तुम क्यों कहते हो कि सर्वव्यापी है, कुत्ते में है बिल्ली में है, ऐसे क्यों कहते हो? 27/4/64 की वाणी का सातवां पेज। तुम उनको गालियां क्यों देते हो, कुत्ते का बच्चा उल्लू का बच्चा गधे का बच्चा? तो देखो माया तुमको बाबा की ग्लानी सिखाई देती है, समझा ना। तुम अपकार करते हो अपने बाप का, देवताओं का, और अपकार का मतलब समझते हो, अपकार अर्थात ग्लानी करते हो। फिर देखो मैं आकर के तुम बच्चों के ऊपर फिर उपकार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम परमत पर चलते हो, यानी रावण की मत पर चल पड़ते हो, और ये ड्रामा बना हुआ है, इसलिए तुमको दोष भी नहीं देता हूं, परंतु समझाता हूं कभी जो तुम्हारे चाल है सर्वव्यापी की या फलाने की या सबको पूजना, मिट्टी को पूजना, मनुष्यों को पूजना, भूतों को पूजना, अब ये सारी बातें छोड़ दो, अब सिर्फ एक मेरे को याद करो। देखो
इसमें बैठ करके कहते हैं ना, और फिर समझाया भी है कि परमात्मा का रूप क्या है। मनुष्य थोड़े जानते हैं परमात्मा का रूप क्या है, बिल्कुल नहीं जानते। पत्थर बुद्धि क्या जाने परमात्मा का रूप, वो तो इतना बड़ा लिंग बनाई देते हैं। कितना बड़ा लिंग बनाते हैं, जैसे पांडवों के बुत बनाते हैं तो बाबा बोलते हैं अरे परमात्मा तो एक बिंदी है, इसको कहा जाता है बिंदी शिव। ये जो भाई बंधु लोग होते हैं ना, वो जो कहते हैं 1 2 3 4 5 8 फिर 9 के बाद क्या लगाते हैं, बूरी लगाते हैं ना, उनको बिंदी। अभी परमपिता परमात्मा का रूप भी ये है क्या है, परमपिता परमात्मा का रूप बिंदी है, परमपिता का रूप बिंदी है या परमात्मा का रूप भी बिंदी है, है? दोनों का रूप बिंदी बनता है तब कहा जाता है परमपिता परमात्मा। परमात्मा परमपिता थोड़े ही कहते हैं, तो आत्मा का भी रूप यही है क्योंकि ये ब्रकुटी में चमकता है जब सितारा, जिसको आत्मा कहते हैं। बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। ये सितारे तो इन आंखों से देखने में आते हैं, वो इतना इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, अति सूक्ष्म है। उनमें ये सभी के ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। अब ये कोई थोड़े ही समझते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि आत्मा परमात्मा इतने बड़े हैं। उसको भी तो आत्मा कहा जाता है ना, परंतु वो परमात्मा है। परम धाम में रहने वाली आत्मा को परमात्मा माना परमात्मा कहा जाता है। ये परमात्मा नाम नहीं है, परम धाम में रहने वाली परमात्मा माना परमात्मा। तो हम हैं आत्माएं जो परम धाम में रहती हैं, उसको फिर कहा जाता है परम। परम को सुप्रीम भी कहा जाता है। तो परम धाम में सदैव रहने वाली है वो भी इतनी छोटी। रूप उनका भी यही है। तो ये बाप समझाएंगे ना, जानवर बुद्धि, पतित बुद्धि, भूत बुद्धि, मनुष्य ये कोई थोड़े ही जानते नहीं, ये तो सभी पतित हैं। देखो कहते हैं ना कि हम पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी का अर्थ नहीं समझते हैं कुछ भी। क्या अर्थ है अरे कुछ अर्थ होगा, भ्रष्ट आचारी माना कैसा आचरण करने वाले, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। भ्रष्टाचारी माना ये मूत से पैदा हुए, देवताएं थोड़े ही मूत से पैदा होते हैं। अच्छा बहुत ही तुम बच्चों को समझाया, अभी बहुत क्या समझाना, समझाना तो थोड़ा ही है।
पहले पहले नंबर की बात मनमाना भव, अर्थात हे आत्माएं, हे बच्चे, तुम अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्म विनाश होंगे तो बाबा तुमको साथ में ले जाएगा, और विकर्म विनाश नहीं होगा तो फिर धर्मराज की दरबार में जाएंगे और वहां अच्छी तरह से पादर खाएंगे, मोचरा खाएंगे, मोचरे खा खा करके हिसाब किताब चुकतू करके फिर तुम ऊपर में चले जाएंगे। फिर पद तो तुम्हें इतना नहीं मिलेगा, पद तो मिलेगा जो श्रीमत पर चलती रहेंगे। उस श्रीमत में भी पवित्र है, पवित्रता है फर्स्ट। पवित्रता का तो तुम लोगों का भारत में मान है, पवित्रता का मान भारत में ही है, विलायत में नहीं है। विलायत में तो कोई पांव भी नहीं पड़ते हैं, पादरियों के पोप के पांव पड़ते हैं क्या? यहां कन्याओं को क्यों पांव पड़ते हैं? क्योंकि कन्याएं पवित्र होती हैं। 27/4/64 की वाणी का 8वां पेज, मात पिता आदि सब कन्याओं के पांव पड़ते हैं, वो ही जब पावन है तो सब पांव पड़ते हैं, जब शादी की तो सबके पांव छोड़ने पड़ते हैं। दूसरे घर में जाओ तो ससुर को, फलाने को, सबको, क्योंकि ये गई मूत पलीती बनने के लिए, तो चलो माथा टेको। परंतु ये भी फर्क नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि सब पत्थर बुद्धि पतित हैं। अभी ये बातें बच्चों को सन्मुख समझाते हैं ना। अभी तुम कहेंगे शिव बाबा देखने में नहीं आता है। अरे क्या देखने में आवे, वो तो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, सो भी क्या देखेंगे? अच्छा स्टार देखेंगे? कोई कहते हाँ बरोबर, मैं शिव बाबा का दीदार किया। दीदार किया, कोई गति सदगति को थोड़े ही पाया? नहीं, यहां तो तुमको पढ़ना है, पतित से पावन बनना है, कर्मातीत अवस्था बनानी है, तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझ है, उसको विनाश करना है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही रखा हुआ है। विश्व का मालिक ये बनना, देखो कितनी पूजा होती है, कितने मंदिर बनते हैं, सो भी तुमको समझाया गया है कि पहले से पहले नंबर वन शिव बाबा का मंदिर बनता है। तो जितना उनका मंदिर बना था, कोई लक्ष्मी नारायण के मंदिर में थोड़े ही लगती है इतनी, उन जैसा मंदिर तो कोई बनाए नहीं सकते हैं, सोमनाथ जैसा। भले कोई बैठ करके इनका सोने का मंदिर बनाया, पर वो सोना आवे कहां से? जवाहरात और जो उसमें थे वो थोड़े ही रखे, तो वो फिर रिपीट होगा। तुम फिर देवता बनते हो,
फिर इतने साहूकार बनेंगे। तो इस चक्र को कहा जाता है स्व यानी आत्मा का दर्शन, सुदर्शन काहे का दर्शन, इस ज्ञान का, इस चक्र का, इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। तो तुम ब्राह्मण हो सुदर्शन चक्रधारी, तुम्हारे में नॉलेज है, समझा ना? ये जो चक्र और ये जो है ये तुम्हारे लिए है, परंतु ये दिखलाई देते हैं सूक्ष्म बतन में विष्णु के लिए। विष्णु का दो रूप तो है, लक्ष्मी नारायण उनको भला क्यों नहीं देते हैं? लक्ष्मी नारायण को सुदर्शन चक्र क्यों नहीं देते हैं? परंतु नहीं, ये तो ब्राह्मणों में है तो तुमको ये ज्ञान मिलता है। ये कोई हथियार नहीं है, ये कोई चक्करी नहीं है, वो कोई गदा नहीं है, ये तो समझ की बात है। तुम जानते हो इस बात को जिससे तुम चक्रधारी राजा बनते हो, इस सृष्टि के आदि में अंत को जानने से। अच्छा चलो बच्ची टोली दो। किसने बोला है? किसने बोला टोली दो? किसने बोला है? ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने नहीं है? शिव बाबा तो सदा योगी है और ब्रह्मा है मुरली चलाते जाते हैं और टोली बीच बीच में याद करते जाते हैं। तो भोगी हैं या योगी हैं? भोगी कहें? अरे धारण करना चाहिए ना। अभी जिस दिन इनको धारण करेगा वो अपना कल्याण करेगा, धारण करेंगे औरों को धारण कराएंगे। तुमको सुनना है और सुनाना है। वो जो जा करके कथाएं वार्ताएं सुनते हैं तो बस सुनते हैं, सुनाते कहाँ हैं? कुछ भी नहीं। तुमको तो यहाँ सुनना है और जा करके सुनाना है, पावन रहना है, समझा? क्योंकि कहते हैं ना बाबा, स्त्री भी कहती है बाबा। अब बाबा कहते हैं तो भाई बहन हो गए ना, ये युक्ति है। पवित्र कैसे रहें? स्त्री और पुरुष ये अंतिम जन्म पवित्र कैसे रह सकें? वो सन्यासी तो नहीं रह सकते हैं, भाग जाते हैं, बोलते हैं ये नागिन है, तो नागिन समझ करके भागने वाले नाग हुए ना। यानी वो क्रिएशन को विधवा बना करके चले जाते हैं। अब तुमको तो घर नहीं छोड़ना है, तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, इस सारी दुनिया को भूल जाना है, कलाएं धारण करनी है, पास तब होंगे जब कम से कम 8 घंटा पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि बाबा के साथ रहेगी। क्या कहा है? 24 घंटे में कितना? 8 घंटे। और तुम्हारा ये रजिस्टर दिखलाएगा कि बरोबर इसने इतना याद का पुरुषार्थ किया है। बाबा कहते हैं याद के लिए कोई बैठना थोड़े ही है, नहीं, कहां भी जाओ उठो बैठो बाप को याद करना है। देखो बच्चे जो होते हैं बाप को याद करते हैं,
बड़े होते हैं उनको तो बाप याद आएगा, मिल्कियत याद आएगी। तो उठते बैठते स्नान करते कहां भी जाते क्या बाप और मिल्कियत को याद नहीं करते होंगे? तो तुमको भी इतना सहज है, हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, कौन कहता है बैठ करके याद करो? नहीं, जहां भी जाओ जहां भी फुर्सत हो अपना रजिस्टर रखो कि हम बाप को कितना समय याद करते हैं, सिर्फ ये रखो और जास्ती थोड़े ही कहते हैं, चाहे तो लिखो चाहे तो बुद्धि में धारण करो। अच्छा, मीठे मीठे लकी ज्ञान सितारे, वो सितारे नहीं आसमान के, वो कोई देवताएं नहीं है, वो जो गाते हैं सूर्य देवता चंद्र देवता नक्षत्र देवता, ये तो पत्थर बुद्धि है। देवता मनुष्य होते हैं, स्वर्ग में रहने वाले को देवी देवता कहा जाता है, इनको देवता थोड़े ही कहा जाता है। तो पत्थर बुद्धि हुए ना, यानी वो तो है इस ड्रामा में, ये जो बड़ा मांडवा है आकाश का तत्व है उसमें तुम खेल करते हो, उसको रोशनी देने वाले हैं, उनमें कोई देवता थोड़े ही रखे हुए हैं, वो तो नेचुरली खड़े हुए हैं जैसे वहां, और बहुत ऊंचे हैं। ये जो बैठ करके कोशिश करते हैं कि हम जावें सितारों पर, ये कोशिश करते करते ही मर जाएंगे, ये तो कोई चंद्रमा के ऊपर जाकर प्लाट नहीं रखे हुए हैं। अरे, ये आकाश का चंद्रमा तो बत्ती है, इसको कहा जाता है बड़े बेहद के मांडवे की बत्तियां, दिन सूर्य रात चंद्रमा और सितारे, ये तो नेचुरल है, वहां कोई जगह नहीं रखी है। ये भला इन लोगों ने ये सब कहां से अकल पाया कि ये सब ऊपर में है या हम ऊपर में है? वो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, आकाश आकाश पाताल पाताल बहुत दुनियाएं दिखाई दी, दिखाते हैं ना, अतल वितल तलातल सुतल, तो ये समझते हैं ये सात दुनियाएं हैं, एक एक स्टार में दुनिया है, ये ऐसे समझते हैं, कोई छोटी दुनिया कोई बड़ी दुनिया, तो ये दुनिया के ऊपर जाना चाहते हैं। तो ये भी तो पत्थर बुद्धि हुए ना, देखो आपस में जल मर करके इनका विनाश हो जाता है, चंद्रमा में जाकर के फ्लैट्स नहीं लेते हैं, मर जाते हैं बेचारे, मर करके ये सभी पैसा बर्बाद कर देते हैं। इसको कहा जाता है इधर साइंस घमंड। अच्छा, ये कोई खराब तो नहीं है, फिर भी अभी ये फिर तुम्हारे काम में आएंगे। तो देखो विमान अभी निकले हैं जो तुमको कल काम में आवेंगे, इनके लिए विमान सुख के लिए अल्पकाल के हैं और फिर दुख के लिए भी हैं, मार करके अपने आप को भी खत्म कर देंगे, और ये जो फिर सुख के लिए हैं वो फिर सत्युग में तुम्हारे काम आएंगे। अच्छा, सिकील दे लकी सितारों प्रति मात पिता का याद प्यारो, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। बाबा, बांग्लादेश में मधुबन बनाने के लिए वातावरण तो है, 150, 200 संख्या से वातावरण गिना जाता है। अगर संख्या से वातावरण गिना जाता तो पांच पांडवों का गायन क्यों होता?
फिर तो 100 कौरवों का गायन होना चाहिए। संख्या देखनी है या पवित्रता के प्रति महत्व देने वाले लोगों की क्वालिटी देखनी है? क्वालिटी देखनी है। बाबा सरेंडर करने वाली बहन माता करना तो है ही, फिर किसके प्रभाव में आ जाती है, किसके बंधन में है? हैं और बंधन भी किसके हैं? अरे कौन से खूंटे से बंधी हुई है? गायें तो हैं, लेकिन वो गैया किसके बाड़े में है? अरे कृष्ण के बारे में है या और धर्मों के बारे में है? कृष्ण की भी गौशाला है, जो कृष्ण की गौशाला है उसमें बैल दिखाए जाते हैं, बैल पाल कन्हैया गाया हुआ है, फिर गोपाल गया हुआ। कृष्ण को कपड़ा चुरी करना देखा तो है ना, गोपियों को कपड़ा चुरी करना देखा तो है ना, कपड़ा चुराना। हाँ कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए। हाँ हाँ इसका मतलब देवान चुरा लिया, देवान रहता है ना, पुरुषों में ज्यादा रहता है कि कन्याओं माताओं में है? गंगा नहाने जाते हैं तो नहाने जाएंगे तो कन्याएं माताएं ज्यादा ऐसे करेंगे जो पुरुष करेंगे, ज्यादा कौन करते हैं? कन्या माताएं करती, ज्यादा देहभान कन्या माताओं में रहता है, तो जिसमें ज्यादा देहभान है उन्हीं का देहभान खलास कर दिया, ले लिया। कन्याएं माताएं आत्मा बनी, पुरुषों को देवान नहीं लिया। क्या पुरुषों में देवान होता नहीं है? होता है, सबसे ज्यादा होता है। सारे पुरुषों को दुर्योधन दुशासन का है, लेकिन जो काम विकार है उसके ऊपर विजय पुरुष पाएंगे या कन्याएं माताएं पहले पाएंगी? कन्याएं माताएं पहले पाएंगी। तो जो योग्य हैं, उन्हीं का देवान पहले चुराया जाता है। देवान चुराया जाता है तो गुप्त रखने की बात है या नहीं है? अरे चोरी गुप्त में की जाती है कि खुलेआम की जाती है? गुप्त। तो जिनका देवान चुराया जाता है उनका नाम क्या पड़ा शास्त्रों में? गोपी। गोप कम है और गोपियां ज्यादा है। और कब प्रत्यक्ष होगा? हाँ अव्यक्त वाणी में पूछा है गंगा कहाँ से निकली? बनारस से निकली या कानपुर से निकली? सवाल ये है भक्ति मार्ग में गंगा का जो गायन है वो बनारस में ज्यादा है, गंगा का नाम जो जुड़ा हुआ है वो बनारस में जुड़ा हुआ है या कानपुर से जुड़ा हुआ है? बनारस में जुड़ा हुआ है। कानपुर को क्यों घुसेड़ दिया? इसे साबित होता है कि कोई कन्या है
जिसने एडवांस ज्ञान पहले पहले सुना है और पहले पहले समझा भी है, लेकिन इतना सुना कि सुनते सुनते कान पूर गए, तो उस स्थान का नाम क्या पड़ा? कानपुर। जब कान भर जाते हैं ना तो कुछ सुनाई पड़ता है, फिर कुछ नहीं सुनाई पड़ता। और गंगा जो है, गंगा के किनारे जो बैठने वाले हैं वो कौन से धर्म के होते हैं? सन्यास धर्म के। माने सन्यासी जो हैं वो गंगा को बहुत मानते हैं, मानते हैं ना? तो गंगा किस धर्म की मुखिया हुई? सन्यास धर्म की मुखिया। अगर वो गंगा भगवान का ज्ञान सबसे पहले सुने और सबसे ज्यादा सतोप्रधान समय में सुने और इतना सुने कि सुनते सुनते कान ही पुर जाएं, सुने ही नहीं फिर, कान पुर गए और सुनना ही बंद कर दिया, तो भगवान से विपरीत बुद्धि होगी या प्रीति बुद्धि होगी? है विपरीत बुद्धि होगी बाबा। तो ये जो सन्यासी हैं, ज्ञानी तो बहुत होते हैं लेकिन भगवान से विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए बोला ये सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। माना गंगा जब निकलेगी तब उत्तर भारत में क्या होगा? भगवान की प्रत्यक्षता होने लगेगी। अभी उत्तर भारत के लोग सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। कहाँ के सुन रहे हैं? है? दक्षिण भारत के लोग ज्यादा सुनते हैं पहले, क्योंकि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, तो उन विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष कर दिया और उत्तर भारत के सोए पड़े हैं कुंभकर्ण। कब तक सोते रहेंगे? जब गंगा निकलेगी। और गंगा कब निकलेगी? तब सागर की जटा में आएगी। सागर ज्ञान सागर, ज्ञान सागर कोई मनुष्य है ना? मनुष्य के रूप में कोई ज्ञान सागर है? है। तो उस ज्ञान सागर की जटा बनकर के जटा में वो गंगा कब निकलेगी? अरे वो गंगा पहाड़ से निकलती है, ऊंची स्टेज से निकलती है, निकलती है हरिद्वार से होती हुई, पहले पहले फर्रुखाबाद में आती है। पहले हरिद्वार में गंदा नहीं पड़ता था क्या? गंगा का जो गंध है हरिद्वार में नहीं पड़ता था, ये तो अभी पड़ने लगा है। लेकिन गंगा जब निकल करके मैदान में आती है तो पहले पहले फर्रुखाबाद में गंध पड़ता है, फिर कानपुर में, फिर इलाहाबाद, फिर वाराणसी वगैरह वगैरह, पटना वगैरह, फिर आगे बढ़ती चली जाती है। कहां तक बढ़ती है? इतना आगे पूरब में बढ़ती जाती है जब तक ब्रह्मपुत्र नदी में न मिल जाए। नक्शा देखा कभी? गंगा सीधी सागर में मिलती है या ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिलती है? और ब्रह्मपुत्र बहती हुई लास्ट में कौन से देश में आती है? ब्रह्मपुत्रा बहती हुई, पहाड़ों पर बहती हुई, गुवाहाटी से होते हुई पहले कौन से देश में आती है लास्ट में? अरे खुलना खुलना जिला कह रहे हैं, वो खुलना नाम पड़ा है उसका, क्या क्या नाम पड़ा? खुलना। खुलना माने खुल जाना। क्या ज्ञान का जो रहस्य अभी बंद है दुनिया वालों के सामने, वो ज्ञान का रहस्य
खुल जाए। वो ब्रह्मपुत्रा उधर से आती है, गंगा ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, फिर दोनों नदियों का जल मिलकर के सागर में जाता है। बाबा वो कंपिल के पास वो और बुरी गंगा है, वो कौन है? वो ही द्रौपदी कुंड देखा, उसके आसपास गहरे गहरे कुंड बने हुए हैं। वहाँ पहले पुराने जमाने में गंगा बहती थी। क्या? गंगा कंपिल के किनारे किनारे होकर के बहती थी, फिर बाद में वो गंगा वहां से स्थान छोड़ के 4-5 किलोमीटर आगे चली गई, तो वो हो गई नई गंगा। पहले कंपिल के नजदीक थी, जैसे एडवांस ज्ञान निकला तो गंगा कपिल मुनि के नजदीक थी या दूर थी? नजदीक थी। अभी दूर हो गई। और जो बूढ़ी बूढ़ी गंगाएं हैं वो नजदीक हो गई। ऐसे ही वो स्थूल गंगा, बूढ़ी गंगा नजदीक है, तो बूढ़ी गंगाओं में से जो गहरा कुंड है उसका नाम है द्रौपदी कुंड। कपिल मुनि की जो बनी हुई है ना मठिया, छोटा सा मंदिर, इसके जस्ट नीचे द्रौपदी कुंड है। वो बूढ़ी गंगा के बहने का स्थान है। बूढ़ी गंगाओं ने उस द्रौपदी कुंड में ज्ञान जल डाला है, माने जो द्रौपदी का पार्ट बजाने वाली है ध्रुवपदी, जिसका पद ध्रुव है, उसका पद कोई टाल नहीं सकता, वो द्रौपदी में ज्ञान जल किसने डाला? जो इतनी प्रसिद्धि हो गई द्रौपदी, जो महाभारत युद्ध की निमित्त बन गई, कारण बन गई, उसमें ज्ञान जल किसने डाला? बूढ़ी गंगा उन्हें डाला। पुष्प माता देखी वहां दिल्ली में? नहीं देखी, अब जाके देखना, वो सबसे बूढ़ी गंगा। उन बूढ़ी गंगाओं ने धक्का दे दे करके उसको तैयार कर दिया सरेंडर होने के लिए। उसी के अंदर इस्लाम धर्म का बीज कितना है, बौद्ध धर्म का बीज कितना है, क्रिश्चियन का कितना है? दुनिया में आबादी किसकी ज्यादा है किसकी कम है? क्रिश्चियन धर्म की आबादी ज्यादा है। और सबसे कम आबादी देवी देवता सनातन धर्म की सबसे कम आबादी है। उसी हिसाब से अभी तो ड्रामा चल रहा है, शूटिंग हो रही है, एक्यूरेट पता बाद में चलेगा। ओम शांति।